हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सैमसंग J2 में माइक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये हमारा माइक है और इसका अगर प्रिंट भी रिमूव हो जाता है तो उसे भी कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर ये हमारा ग्राउंड है दोस्तों, और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसकी लाइनिंग, ये जो कंपोनेंट्स दिख रहा है इस कंपोनेंट से आती है, और दूसरा जो पॉइंट आपको ये दिख रहा है इसकी लाइनिंग इस वाले कंपोनेंट से आती है। बिल्कुल इस तरह से लाइनिंग इन दोनों पॉइंट पर आती है। तो दोस्तों, इसमें अब हम 2 पिन का माइक कैसे लगाएंगे आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और अगर आपका प्रिंट भी रिमूव हो जाता है तो उसे भी जम्पर द्वारा कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पिन रखते हैं और दूसरा इस वाले कंपोनेंट्स पर इस तरफ रखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कनेक्टिविटी आ रही है, यानी कि ये पॉइंट हमारा सही है। तो दूसरा हम चेक कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट पर हम रखते हैं और दूसरा इस वाले कंपोनेंट्स पर रख देते हैं। तो ये भी देखिए कनेक्टिविटी आ रही है, यानी कि हमारी लाइनिंग एकदम सही है। और लाइनिंग अगर सही ना हो तो आप इस तरह से जम्पर कर सकते हैं। इस तरह से जम्पर करने से आपका माइक वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पर बात हो रही दोस्तों, हम इसमें यूनिवर्सल माइक कैसे लगाएंगे, यानी कि 2 पिन का माइक कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी पुराना मोबाइल की प्लेट से, मदरबोर्ड से ये कंपोनेंट्स को रिमूव कर देंगे, क्योंकि इन्हीं कंपोनेंट से हम ये माइक लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे 20 के ओम पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से मल्टीमीटर को 20 के ओम पर रख लेंगे। तो दोस्तों, हमको जो कंपोनेंट चेक करना है वो 4.5 के ओम से 9 के ओम तक होना चाहिए। तो ये देखिए, ये यहाँ पर एकदम फिक्स बता रहा है, 4.69 4.7 तक बता रहा है, यानी कि ये कंपोनेंट्स हमारे लिए एकदम सही है। तो यहाँ पर दोस्तों, ये दोनों पॉइंट के बीच में हम इस कंपोनेंट्स को लगा देंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको, इस कंपोनेंट्स को दोनों पॉइंट के बीच में लगा लेते हैं, तभी हमारा यूनिवर्सल माइक, 2 पिन वाला माइक हम इस पर लगा पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसे सोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि सोल्ड करने के बाद ही, इसे चेक करने के बाद पता चलेगा कि ये कंपोनेंट्स वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इसे सोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद फिर से रीडिंग करके देख लेते हैं। अगर वीडियो यूज़फुल लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से हम लोगों का हौसला बढ़ता है। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर वीडियो यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो यहाँ पर दोस्तों, हमने इसे बिल्कुल इस तरह से सोल्ड कर देना है। ये आप देख रहे हैं, दोनों पॉइंट को छूता हुआ सोल्ड हो चुका है। यहाँ पर दोनों पॉइंट को हम छूते हुए इसको बीच में सोल्ड कर देंगे। तो चलिए, अब इसकी रीडिंग करके देख लेते हैं कि ये 4.5 बता रहा है या फिर उसके नीचे है, यानी कि अगर 4.5 से नीचे है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो चलिए, हम इसे रीडिंग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं 4.73 बता रहा है, यानी कि ये कंपोनेंट्स हमारा एकदम सही है। तो अब दोस्तों, सवाल आता है कि हमको प्लस पॉइंट किस तरफ लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस वाले पॉइंट पर हम प्लस जम्पर लगाएंगे, यानी कि प्लस वायर लगा देंगे, इस तरफ प्लस लगा देंगे। और ग्राउंड वाला जो है माइनस पॉइंट, वो हम चार्जिंग कनेक्टर पर लगा सकते हैं या फिर उसके पास ही यहाँ पर ग्राउंड वाले पॉइंट पर लगा सकते हैं। तो हमने अपना माइक भी लगा लिया। तो चलिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको माइक लगाना है। इस तरह से माइक लगाने से आपके फ़ोन में यूनिवर्सल माइक भी लग जाएगा और ये वर्क भी करेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।